ट्रेजर हंट के रास्ते कैसे हैं? ट्रेजर हंट के रास्ते ये है, ट्रेजर हंट। हमने यहाँ पे अपने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। डेंजर रास्ते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इधर सांप सूंप भी निकल आ सकते हैं। स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग हमने कर ली है, टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे अपने टास्क। मजाक 10 मिनट के बच्चे, मुझे अपने आप से एक्सपेक्टेशन है, मैं तुम्हारे पास इंशाल्लाह 3 मिनट के अंदर मैं बड़े जोकर शोकर पहन के आए थे, एडिडास के शूज अपने टाइट करके बांधे हुए। 3 मिनट में एक्सपेक्ट किए मैंने, मुंह उठाने के लायक नहीं रहे तुम अभी। ये पूरा मैप है, इसमें हमने देखना है अभी हमने कहाँ कहाँ जाना है। इनको भी दुख है हमारे सेकंड प्लेस पे आने का, कोई बात नहीं। सेकंड प्लेस यहाँ से हमने लिया है, ये है पूरा एक्सपो चल रहा है इधर सारा। सऊदीया 2 यहाँ से, फिर ये था 3 बलून यहाँ से, बाकी हम लोग ये सीट दिखाए कदर ट्राई करो ला दे। मुझे डर लगे पता नहीं हलाल भी है कि नहीं, मतलब लेकिन हम खा गए हैं। मैंने कहा सिर्फ हमारी ही कंट्री में मिलते हैं ऐसे, और कहीं नहीं मिलते। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। I'll be the last one left when the lights go out. अच्छा तो आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए क्योंकि हमने एक गेम में जो है पार्टिसिपेट किया है। वो गेम ये है कि 6 डिफरेंट पॉइंट्स दिए जाएंगे, हमने उसको मिनिमम टाइम में है कंप्लीट करना है। जो मैक्सिमम टाइम है वो 17 मिनट है। फोन में जो है ना लोकेशन सेंड की जाएगी उसकी, जब हम फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे वहाँ पे एक टास्क होगा उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पॉपअप होगा आपके फ़ोन पे ही, उसका करेक्ट आंसर करना है। उसके बाद जो आपको है नेक्स्ट लोकेशन पर वो प्रमोट कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर आपका क्वेश्चन गलत है, टास्क कम्प्लीट नहीं है, तो वहीं पर गेम एंड। इसी तरह फर्स्ट पे जाएंगे, फिर सेकंड में जाके भी ऐसे ही होगा, क्वेश्चन आएगा और टास्क कंप्लीट करने के बाद। इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स तक हमने टास्क जो है कंप्लीट करने हैं मिनिमम टाइम में। आज तो नहीं है, आज हम सिर्फ सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, ऐसी देखने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा माइंड में थोड़ा आइडिया हो जाए। मैप हमें एक फ्रेंड ने दे दिया था, वो वहीं पर होता है अंदर कहीं, तो उस मैप के थ्रू हम थोड़ी लोकेशन थोड़े माइंड में अपने बिठा लेंगे, आइडिया ले लेंगे थोड़ा। तो बाकी जो है ऑफिशियली तौर पर जो हमारी गेम है वो कल है, तो आज हम सिर्फ सर्वे के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं, आप लोगों को जाके दिखाते भी हैं साथ साथ के क्या सीन है उधर, चलते हैं। हेलो, जींस में बंदा तंग होता है, ट्राउजर पहने हो सुकून से। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं एक हिडन टनल्स के थ्रू। ये हिडन है, किसी को नहीं पता इसका, ये पता है कोई भी नहीं, हम लोग अकेले हैं यहाँ पे बस। किसी और को नहीं आ रहा एक्सपो, मैं तो फेस्टिवल जब आ रहा था ऐसे फुल रश होता था। इधर आवाज़ भी आपकी जो है ना इको वॉइस आ रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी, कल हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन एक्सपो में, तो आज हम सर्वे करने आए थोड़ा ना कल के लिए, थोड़ा हम देखने आए कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें जो है, लेकिन हम लोग आए हैं छुप के, आगे किसी को पता ना चले। ये है टनल, यहाँ से हम लोग आए हैं चलते हुए, वहाँ हम जाएंगे आगे को उधर। हाँ दूर है, ऐसे ही होगा 300 मीटर तो होगा ये। ये तो अभी सांस चढ़ गई कल भागना कैसे है भाई, फुल जबरदस्त वार्म अप कर रहे हैं। कल तो गर्मी भी होगी यार, स्ट्रेच वार्म अप से सांस चढ़ गई। नहीं यार ये वो है ना स्लोप टाइप है ना, अभी से थक गए वगैरह, तो वो यही तो बोल रहा है दलूल, कहते हैं 4 से 5 घंटे जो कौन सा बोल रहा है, बोलते हैं वो स्लोप है। मुझे लग रहा था इजी है लेकिन नहीं भाई। ये पूरा मैप है, इसमें हमने देखना है अभी हमने कहाँ कहाँ जाना है, कल जो हमने कहाँ कहाँ पे जाना है। सफर मैप दिखाओ, ये देखो यहाँ से चलते चलते हम इधर पहुँच भी गए। किधर? पाकिस्तान के पवेलियन। टनल से कहाँ से आए थे? यहाँ से हम लोग आए पार्किंग करके। नहीं टनल से हम, टनल ये थी किधर थी? टनल नहीं, उसने मुझे बोला टेनिस की पार्किंग इधर है। ठीक है, ये यहाँ हम पहुँच भी गए। पाकिस्तान किधर थे? इतना जल्दी कैसे पहुँच गए हम लोग? उड़ गया यार हम लोग। पाकिस्तान का इधर किधर? यहाँ तो हम लोग इधर से। ये पाकिस्तान का किधर था यार? यहाँ पे ये था। हाँ यहाँ तो जल्दी कैसे, हमने यहाँ पे पहुँचना है। तो ये बिल्डिंग है जी आगे इस साइड पे, हम लोग वहाँ जाके देखते हैं। अब भी ये है कतर पवेलियन, ये है कतर पवेलियन, मजा आने वाला कल बहुत ज्यादा। ये
because they're celebrating Saudi independence, Saudi Founding Day. Founding Day, yeah. Okay. They have some previous there now. And some food. Three days. Food as well, huh? Yeah, they are inside. Okay. Yeah, enjoy. Thank you, man. Welcome. Thank you. ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, अच्छा ये मेन बिल्डिंग है, हम निकल यहाँ पे सीधा लाइन है। किधर है? सऊदी है ये, करीब हो इधर कहीं होगा। बलून उस साइड पे है ना? हाँ, ये फिर उसके बाद पीछे बलून का, ये देखो ना, ये सऊदी के फिर बलून का। तो अभी चलते हैं अफगानिस्तान, वहाँ जाके फिर देखते हैं। क्यों कल बस कुत्तों की तरह भागो? बस सही है, कल भागो इधर से, क्या वहाँ से सीधे। कल है हमारा ट्रेजर हंट के लिए हम लोग जाएंगे। कितने पॉइंट है टोटल? 6 पॉइंट्स हैं टोटल, 6 जगह डिफरेंट वहाँ जाना है हमने। ठीक है, जाते हैं अभी कल के लिए, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। इसके थोड़ा आगे जाना है तो ये सऊदी के लिए है। ब्रिज की साइड पे है, सऊदीया 2 यहाँ से, फिर ये था 3 बलून, यहाँ से बाकी हम लोग ये 4। ये क्या है? अच्छा, इसमें बड़ा दबा रहेगा शायद इसलिए। ये इधर है, ये दूर है बहुत, ये दूर है। ब्रिज अभी ब्रिज कहाँ पे है? ब्रिज ये, ब्रिज ये इधर जाना है लोगों ने। इस इधर उसने बोला कतर एयरवेज का वो है, कतर एयरवेज का ऑफिस होगा। लेकिन हमने ब्रिज अभी वापस जाना है, यहाँ से फिर इधर जाना है। अभी हमने ब्रिज की साइड पे जाना है। हाँ हाँ, यहाँ से इधर जाना है। और इधर प्रेयर रूम भी है मेरे को। हम लोग कर रहे हैं चेक और अभी पॉइंट कंप्लीट भी नहीं हुए, हम अभी तक थक गए वहाँ से। हम आए टीवी है, थके हुए नींद जिंदगी पड़ी पड़ी, वहाँ से हम लोग आए। अब व्यू चेक क्यों अब नहीं करना, कल बहुत अहम दिन है। ये बलून है ना? हाँ, ये देख इधर से आ सकते हैं। ये शॉर्टकट है ना यहाँ से अंदर से? ये ना, ये जो ग्राउंड और जो बाथरूम के बीच, वहाँ से बाहर के अंदर से ये ब्रिज। मैं तो बोला दो दो तीन मिनट का काम है, तक सांस चढ़ गया वो तो। और स्लोप ना बिल्कुल ऐसे है सीधी। ये ब्रिज है, ये हमारा होगा सेकंड लास्ट पॉइंट है, ये चौथा, ये हमारा चौथा पॉइंट होगा इधर। उसने बोला था चौथा से पांचवा, पांचवा से छठा दूर है। हेलो, क्योंकि पता है क्या, इधर होगा, इधर होना है चौथा, चौथा इधर कहीं होगा ना, चौथा इधर है। पांचवा कह रहा था दूर है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा पांचवी से छठा दूर है बस, क्योंकि वापस जाना है। उधर तक नाजरीन आप लोग देख सकते हैं ट्रेजर हंट के रास्ते कैसे हैं। ये है ट्रेजर हंट, हमने यहाँ पे अपने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद हमें एक पॉपअप आएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन के बाद हमें आएगा नेक्स्ट पॉपअप, नेक्स्ट लोकेशन। कल तुम खुदा के लिए ब्लॉग ना शुरू कर देना। नहीं नहीं, कल कल भी करूँगा, कल जल्दी हो गया। तो देख सकते हैं नाज़रीन कितने डेंजर रास्ते हैं यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है।
इधर सांप सूप भी निकल आ सकते हैं, शेर शूर। हाँ सही कह रहा हूँ, शेर शूर निकल सकते हैं यहाँ पे, सांप सूप है इधर, एक ये सांप है। ओके आपको पानी, हम जंगलों में से होते हुए आ गए हैं हाईवे पे। ओके हमने जो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हमने देख लिए हैं अपने अकॉर्डिंग मैप पे, अब एक लास्ट पॉइंट जो हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट का सीन थोड़ा ख़राब लग रहा है, हमें टूर भी काफ़ी है और टाइम लिमिट भी देंगे हमें, उस टाइम लिमिट हमें कंप्लीट करना है। इधर ही आसपास कहीं है, इधर ही आसपास कहीं मैप में आ रहा है, ये तो सऊदी है ना सामने, इसके सामने देख ये बलून, देख बलून के ऊपर कितना वो फ्लैग दिख रहा है, जमैका का फ्लैग है इसके ये सामने। हाँ 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 दिखाओ यार, दिखाओ इनको, ये फ्लैग ये रहा, ये वो रहा, ये इधर है, ये देख ये इसके सामने, इसके सामने कहीं है तो आई थिंक ये इधर है, तो हम लोग इधर ही खड़े, ये ही है मुझे लग रहा है ये। हाँ उसने बोला था कोई ऐसे फ्लावर टाइप वो है, क्योंकि ये देखो ना, ये फ्लावर मैं तुम्हें दिखाता हूँ इधर आओ, क्योंकि ये देखो, ये देख रहे हो ये क्या है, ये अपोजिट में, हमने अपनी तरफ से जो है पॉइंट सारे कम देख लिए हैं, अब वापस भी जाना है, अभी हमने वापस भी जाना है और देखते हैं कितना टाइम है। 17 मिनट्स में हमने ये 6 पॉइंट्स जो है ना टोटल कंप्लीट करके वापस जाना है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जोगर शोगर पहना ना, कल भागना है अभी, उधर से काट ले रास्ता, पजामे पुजामे टाइट उट करा ना, मैं लूँगा कस लेना अच्छे से, इच्छा तो होने वाली है खैर, बाकी देखते हैं जितना कल हमसे हो सका बेस्ट हम देंगे अपना। कल मैं वीडियो नहीं बना सकता, बाद में बनाना व्लॉग इंशाल्लाह रिजल्ट्स आने के बाद। मैं सोचा मैंने ना कोई किट ले लूँ, वो कैमरा उन्होंने फोन तो लगा रहेगा सामने, तो वीडियो शेडियो बनती पूछा मैंने कुछ। अच्छा ये पता नहीं कोई अफ्रीका की कंट्री थी, तो इसने हमें कुछ ना सीड्स दिखाए, कहता ट्राई करो लाजिम, मुझे डर लगे पता नहीं हलाल भी हैं कि नहीं, पता नहीं, लेकिन हम खा गए हैं, कुछ मीठे थे कुछ खट्टे से थे, खट्टे खट्टे से, येलो वाला अच्छा था, येलो वाला सी था, एक दूसरा छोटा ब्राउन वाला वो भी अच्छा था, वो इमली की तरह नहीं होते, इमली की तरह इमली इमली नहीं थी, उसने कहा सिर्फ हमारी ही कंट्री में मिलते हैं ऐसे और कहीं नहीं मिलते, और एक अजीब से थे, लेकिन अब पता नहीं हलाल थे हराम, हम खा गए हैं तुम्हारे पे आई है ठीक है, बाकी हम चलते हैं आगे। मैं एक्सपो में बहुत दफ़ा पहले भी आया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है पाकिस्तान की पवेलियन हॉल बनाया हुआ है, और ये यहाँ से हमने लिए हैं शामी बर्गर, ये तुम लेट जो 4 बजे पे, तो हमने कहा यहाँ पे बर्गर बुर्गर ट्राई करते हैं, यहाँ से हमने लिया है, ये है पूरा एक्सपो चल रहा है इधर सारा, ये देखिए ना थोड़ा ना ओल्ड ट्रेडिशन शो किया हुआ पाकिस्तान का, और ये भाई साहब बैठे हैं इधर, हुक्का लगाया, ये है खुश आमदीद, हमें भूख लगी थी तो एक बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी यहाँ से शामी बर्गर की, तो हमने कहा ट्राई करते हैं। बाकी सब ड्रामा में बिजी हैं, नहीं तुम बैठ जाओ, तुम लेट जाओ, ये देख रहे हैं ये स्टफ है ना, ये पाकिस्तान में अच्छे नहीं होते उनकी सीट्स ना, इस तरह की होती है, इस तरह की बात है, पाकिस्तानी मॉल, ये बाबा बैठ सकते हैं, मैं नहीं बैठता, मेरे टांगों में दर्द शुरू जो है। बर्गर आ गए हैं तो अभी देखते हैं खा के कैसे हैं कैसे नहीं, पता नहीं, चलो ट्राई करो ना, देखो कैसे हैं, ठंडे हो जा रहे हैं,
यार दही भी दिए, दही कौन देते हैं इसके साथ? ट्राई करके खा के बताएंगे आपको। कोल्ड ड्रिंक अभी थोड़ा ट्राई करेंगे। जी हमारे बर्गर आ गए हैं, शामी चिकन, मुझे अंडे वाला बर्गर, ये अंडे वाला बर्गर। ये बर्गर खा के जो मजा आया ना, मजा आ गया। मैं फर्स्ट टाइम खाया, मैं तो पाकिस्तान में कभी नहीं खाया, इधर तो वैसे ही पता नहीं मिलता है। नहीं तुम पाकिस्तान जाते ही नहीं ना हो यार। लेकिन यार लेवल जबरदस्त बड़ा। ओके यार मुझे भी बड़ा मजा आया था यार। मैं तो शायद एमी है लेकिन मैंने और फिश देखा तो मैं, क्योंकि मुझे पता है रेस्टोरेंट अच्छा है, बड़ा हैवी बर्गर था। पाकिस्तान की याद आ गई है मुझे, जो पाकिस्तान हम बाहर जाके खाते थे ना, एंड हो गया। अब जब तक एक्सपो ना, यहाँ पे आके खाते रहना। मैंने अभी हमारे पास एक महीना है, तो एक महीने तक इनके पास आते रहेंगे। अब हमने ऐसे चलते हुए ट्राई किया था, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी, तो बड़ा मजा रहा नहीं गया फिर। यार चपली कबाब ट्राई करने पड़ेंगे। हाँ लेकिन चपली कबाब तो बाहर से मिल जाएंगे, ये जो बर्गर है ना, बर्गर नहीं मिलना। उसने बोला ना बाहर नहीं मिलना, अंडे वाला बर्गर से भी अच्छा था ये। आज हमने अपने तौर पर जो है ना टास्क कम्प्लीट कर लिए सारे। कल जो है ना, कल मेन रेडी हो जाना, शूज वूज टाइट टूट करा ना, कल आके देखते हैं क्या होता है। The next day. Hello, assalamu alaikum. हम लोग आ गए हैं, जो हमारा सफ़ार, हमारा जो एक्सप्लोर ट्रेजर हंट का जो पार्टिसिपेट किया हमने, तो ये सब उन्होंने बताया भाई, डिवाइसेस वगैरह अपनी ऐसे सेटअप कर लें और बस करेंगे। हम आ गए हैं, हमें था पहले 3 बजे है, तो 3 बजे तो नहीं, अभी है 4 बजे। ठीक है तो स्टार्ट करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। अभी घंटा है, अभी हम थोड़े से डिवाइस सेटअप वगैरह कर लिए अकॉर्डिंग उसके, बाकी देखते हैं। बस जो है आज का ट्रेजर हंट हमारा जो है बड़ा वाकई ट्रेजर हंट है, कसम से थक टूट गए हैं। लेकिन अभी हमने ना डिसाइड किया कि आधे आधे पॉइंट, मैं तो मैं कहता हूँ, मेरे साथ ज़्यादातर अच्छे एडवाइस में देता हूँ मैं। मैंने इसको बताया कि दोनों नहीं भागते साथ, हाफ पॉइंट ये कम्प्लीट करेगा, आधे मैं करूँगा, इस तरह ये थकेगा ना मैं, उस टाइम ना हमारा जो है ना गेन होता रहेगा। तो अभी हमने ये डिसाइड किया, एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग हमने कर ली है। यस अब उम्मीद है कि हम जो हैं टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे अपने टास्क। वाला मेरी तो औकात है 10 मिनट, मजाक 10 मिनट के बच्चे तुम, मजाक ही लाओ वाला बस। क्योंकि मुझे अपने आपसे एक्सपेक्टेशन है, मैं तुम्हारे पास इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3 मिनट के अंदर मैं पहुंचूं, तुमसे मुझे एक्सपेक्टेशन 2.5 मिनट नहीं है इतना। नहीं बस हमने जो है पॉइंट अपने कर लिए, हाफ ही करेगा, हाफ मैं करूंगा, उसके बाद भी है डिस्टेंस से कितना नहीं है वो मैं कर लूंगा। तो स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग हमने कर ली है, तकरीबन कह लो 12 मिनट में तो हम लोग कर सकते। यार बस गिव अप नहीं करना तुमने, मैं तुम मैंने नौड़ा से रोटेट कर लिया, तो मैंने अच्छा सा आइडिया दे दिया। हाँ मुझे बकरा दो डिवाइस तो खुल के भाग, तुमने जाना है लेकिन तुम भी ऐसे नहीं आराम आराम से चलते चलते जाओ। नहीं नहीं मैं इसलिए कह रहा था मैं पहुंच जाता हूँ पहले से। नहीं नहीं आओ जैसे चल कर, तो बस देखते हैं क्या होता है, फिर आप लोगों को अपडेट देते हैं। भागते हुए टास्क कम्प्लीट करते हुए तो वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने लोकेशन हमें फोन पे सेंड करनी है, वो पॉइंट हमने जो है कम्प्लीट करने हैं टाइम से पहले, तो वीडियो तो नहीं बना सकता मैं। आफ्टर वीडियो मैं फिर बताते हैं आप लोगों को। आफ्टर टास्क कंप्लीट करने के बाद हमारी हालत कुछ इस तरह की है, और इस भाई साहब की तो हालत, मसला पता क्या हुआ है, हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी कि हम अच्छे से करेंगे ये वो, लेकिन उतना एक्सपेक्ट जितना हमने किया था उतना हुआ नहीं, काफ़ी मुश्किल था, जितना हम समझ रहे थे उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल था। सीन कुछ ऐसा हुआ था, 17 मिनट में हमने जो है ना 6 पॉइंट थे टोटल, हमने ये कंप्लीट करने थे 17 मिनट में फर्स्ट प्लेस, फिर सेकंड प्लेस, उससे नीचे जितना टाइम होगा तो सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस आएगी। ठीक है अब हमने जो फर्स्ट अटेम्प्ट हमने की तो उसमें हमारा जो है 17 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम आया था, 18 समथिंग आया था। ठीक है तो हम लोग आए हैं अभी सेकेंड प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर हम लोग नहीं आ सके क्योंकि भाई साहब बहुत ही डिफ़िकल्ट था, ओए होए होए बहुत गैप से थे, तकरीबन ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर से होगा ज़्यादा, तो बुरी हालत हो गई है। हमने तो अपना भाई जितना ट्राई कर सकते थे हमने किया। तुम बकवास करो ना ज़रा, बड़े तुम एथलीट बनते हो। मैं बकवास करने की मूड में नहीं, ऐसा थोड़ा माइंड में है कि ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं सेकेंड पे कैसे आया, फर्स्ट पे क्यों नहीं आया हम। तो मैंने इसको कहा कोई बात नहीं यार, ज़्यादा हमने कुछ सोच लिया था, तो इस भाई साहब को आना नहीं पसंद, हम आ रहे हैं लगभग सेकंड पे आ गए हैं बस यार। सेकंड पे आगे ये बंदा खुश नहीं है भाई। हम सेम जगह से जो है इधर, ये पाकिस्तान इसकी बैक साइड पे ना रेस्टोरेंट है, वहीं से जो हमने कल बर्गर खाया था आज भी हम वही खाएंगे, शामी बर्गर।
इनको भी दुख है हमारे सेकंड प्लेस पे आने का, कोई बात नहीं, कोई नहीं, लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। तुम टेंशन ना लो ज़्यादा, टेंशन ना लो ज़्यादा, चिल्लो जो तुमने जो बनाई हुई थी ना, तीन मिनट के अंदर करेगा कंप्लीट में। बकवास नहीं करो ज़्यादा, बोला बकवास नहीं करो, 8.5 मिनट लगा के तुम आ रहे हो। मुझे तुमने गलत आदमी, ये बाथरूम आई थिंक ये भाई से बैठे हैं, ठीक है। हमने पहले क्या डिसाइड किया, हम एक साथ भागेंगे, फिर इसको मैंने आइडिया दिया, नहीं यार हमने पॉइंट्स डिवाइड करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया दिया, पॉइंट्स हम डिवाइड करते हैं। मैं इधर बैठ सकता हूं? नहीं बैठ सकते, मैंने इसको क्या पॉइंट्स डिवाइड करेंगे तो हम ना थोड़ा स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क, इसको मैंने कहा आधे पॉइंट ये करेगा, आधे पॉइंट जो है मैं करूँगा। तो इस बगैर ने मुझे जो पॉइंट दिया था ना, काफ़ी वो था, काफ़ी दूर था, आई थिंक 2.5 तो होगा किलोमीटर, तो ऐसे था पूरा स्लोप में था। तो भाई साहब उसमें नीचे जाना फिर ऊपर आना वापस आना था, स्लोप में बंदा थक जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगा मेरा, उसमें मेरे ऑलमोस्ट कोई लगे थे 7-8 मिनट लगे थे। और बाकी जब मैं वापस आया, इसको इसने वहाँ से पकड़ा है फ़ोन, लोकेशन फ़ोन पे आ रही थी, नेक्स्ट पॉइंट पे हमें वो मैप में शो कर रहा था, तो हम लोग वहाँ गए, नेक्स्ट पॉइंट इसने पकड़ा, फिर ये भागता हुआ गया, वो भी दूर था। तो इन दो पॉइंट पे हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से हम लोग आए हैं सेकंड प्लेस पे। तो कोई बात नहीं, सेकंड पे आ गए हैं, ठीक है, दोबारा पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस भाई साहब की हार जो है बर्दाश्त नहीं हो रही, और मुझे भी नहीं हो रही थोड़ी बहुत कि यार फर्स्ट पे आना है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को यहाँ, फिर कल परसों। बड़े जोकर शोकर पहन के आए थे बड़े एडिडास के शूज़ अपने टाइट करके बांधे हुए थे इस भाई साहब ने, 3 मिनट में एक्सपेक्ट किया मैंने, वो उठाने के लायक नहीं रहे तुम अभी हम लोग आएंगे दोबारा, क्योंकि इसको भी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, और मुझे भी थोड़ा बोल रहा है कि नहीं यार फर्स्ट में हम आ सकते थे। मेरी बात सुनो, नेक्स्ट टाइम तुम नहीं ना दो, तुम हाथों से उड़ उड़ के जाओ। दोबारा हमने सोचा कि नेक्स्ट फ्राइडे दोबारा आएंगे, अभी तो सेकंड पे आ गए। ऐसा कह रहा हूँ रस्सी को, तुम वो तुम्हें दूर लग रहा था, वल्ला वो इतना नज़दीक है वो। नहीं यार तारी दूर था यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ये नहीं कर पाओ। नहीं अगर वो स्ट्रेट होता ना ओके था, बाद में स्लोप में नीचे चला गया मैं, लेकिन जब वापस ऊपर आया हूँ ना मैं चढ़ते हुए, उसमें बड़ा टाइम लगा, मेरी टांगे जवाब देगी थोड़ी वापसी पे। जुम्मे को इंशाल्लाह लोगों को नई खुशखबरी दूंगा मैं कि हम फर्स्ट टाइम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हेलो अगेन, आज का जो है उसको मैं साथ ही आया था, मैं उसको ड्रॉप कर दिया घर, खाना खा के जो है तो ड्रॉप किया है, ड्रॉप करके मैं अपने घर आ गया हूँ, बस अब जाऊँगा अंदर। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं हम लोग एंड, आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे जो है व्लॉग थोड़े मज़े के आने वाले हैं इंशाल्लाह, ठीक है, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।